गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपका नाम सुमित बयान है? हाँ सर, आपके लिए खुशखबरी है। खुशखबरी क्या? सर आपको बिग बॉस ने बुलाया है। क्या? बिग बॉस ने? हाँ बिग बॉस ने मेरे को बुलाया है। हाँ सर, आप बहुत लकी हो। आपको पता है आपका 1 करोड़ बच्चों में से सिलेक्शन हुआ है और बिग बॉस ने तो आपको पर्सनली बुलाया है, तो सर आप आना पसंद करोगे? अरे हाँ हाँ बिल्कुल आऊंगा ना, क्यों नहीं आऊंगा। तो सर ये रहा आपका एंट्री पास और आप आ जाइएगा। ठीक है सर, जरूर आऊंगा। हे वाह, मैं तो सच में ही लकी हूँ, बिग बॉस ने मेरे को पर्सनली बुलाया है। सही है, पक्का जाऊंगा, मैं तो सबको बताता हूँ। अरे क्या कर रहा है भाई? मेरे को बिग बॉस के स्कूल से बुलावा आया है, तो थोड़ी शॉपिंग कर रहा हूँ। बिग बॉस से बुलावा आया तुझे? वाह यार, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मैकबुक और शॉपिंग भी कर रहा है तू, इतना खर्चा कर रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? मैं ना अपनी नॉलेज का यूज करके प्रोबो ऐप से पैसे कमा रहा हूँ। प्रोबो, ये क्या है? प्रोबो प्रोबो भारत का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है, जिसमें तू यस और नो का जवाब दे के बड़ी आसानी से पैसे कमा सकता है। तूने कितना कमाया अभी तक? देख, जैसे एशेज का पहला टेस्ट मैच था, उसमें सवाल था कि उस्मान ख्वाजा 50 से ज्यादा रन बनाएगा कि नहीं, तो उसमें मैंने यस कर दिया और उसने मार दी सेंचुरी, तो मेरा लाखों का प्रॉफिट हो गया। ये तो बड़ी मजेदार ऐप है। हाँ भाई, और इसमें काफी तरह की कैटेगरी भी है, जैसे क्रिकेट, क्रिप्टो, फाइनेंस, एंटरटेनमेंट और भी कई तरह की। 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने प्रोबो पर ओपिनियन देकर पैसा कमाया है। जैसे अभी एसएस 2023 चल रही है, तो उसमें एक सवाल आया कि क्या ऑस्ट्रेलिया एसएस 2023 जीतेगा। अभी इसमें तेरा क्या ख्याल है? हाँ जीतेगी, ऑस्ट्रेलिया बढ़िया टीम लग रही है भाई। अच्छा तो देख, मैंने ये यस सेलेक्ट कर दिया और क्वांटिटी स्लाइडर से इन्वेस्टमेंट बढ़ाकर अपना जवाब दिया, और अगर मेरा जवाब सही हुआ तो मैं जीतूंगा रियल कैश। ये पैसे कैसे निकलेंगे भाई? तुम गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई की मदद से आसानी से 24/7 अनलिमिटेड विड्रॉ कर सकता है। और यही नहीं, मैच के दौरान अलग अलग सवालों पर हाँ या ना में ट्रेड करके तू इंस्टेंट पैसा जीत सकता है। भाई लेकिन तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तो तू अब कर लेना डाउनलोड, और हाँ मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसी से करियो, तुझे 25 रुपए का बोनस भी मिलेगा। ठीक है भाई, अभी डाउनलोड कर लेता हूँ मैं। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो तू डाउनलोड कर लियो। देख अभी मेरे को जितनी शॉपिंग यहाँ से करनी थी मैंने कर ली, अब मेरे को बाहर जाके थोड़ा सा सामान लेना है, फिर बिग बॉस में भी तो जाना है। तेरा भाई जीत के आएगा, पूरी जान लगा देगा। चल भाई चलते हैं। चल सुबह 9 बजे। अबे यार ये कहां बुला लिया मेरे को, बिग बॉस के नाम पे इन छपरियों के बीच में बैठा दिया। कहां है बिग बॉस? बिग बॉस में आपका स्वागत है। सबसे पहले तो सब अपना इंट्रोडक्शन देंगे। मैं हूँ KRK टूर पीस पेपर। फिर आ गया। Well, मैं हूँ हीना खान और आई एम द बेस्ट, अपने स्कूल की मोस्ट पॉपुलर गर्ल। थैंक यू। मैं सुमित भयान, मैं स्कूल में बहुत गालियाँ खाता हूँ, टीचर से रज के गालियाँ खाता हूँ, एकदम ऐसे ऐसे एंड लेवल के काम करता हूँ। ए शेमड़े लोग, जैसा कि तुम लोग जानते हो मैं स्कूल का सबसे बड़ा छपरी बीती स्टैंड। जानते हो मात्र 40 रुपए का इसमें तुम्हारा घर नहीं जाएगा, इसमें मेरा घर जाएगा बस्ती का बस्ती। मैं हूँ अब्दुल रोजिक, बिग बॉस। छोटा भाई जान आया, छोटा भाई जान आया। ठीक है हो गया इंट्रो। इस बार बिग बॉस में आपको 5 टास्क दिए जाएंगे, जो 5 टास्क में टिकारा वो बिग बॉस स्कूल का विनर होगा। और हाँ, हर एक टास्क के बाद आप में से कोई एक एलिमिनेट होगा और उसको इस कंबल में ढक के सब पीटेंगे और लात मार के बिग बॉस के स्कूल से
बाहर निकाल देंगे। तो पहला टास्क ये है, जैसा कि मुझे पता है कि आप लोग अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद हो, आपने कोई काम तो किया नहीं होगा, तो आज आपको वही करना है। साफ सफाई? तू यहां पे पोछा मारेगा। और मिस, आप किचन में सफाई करोगी। एक्सक्यूज मी, डोंट यू नो मी? हिना खान नाम है मेरा, और मैं किचन की सफाई करूंगी। माय फुट। ओ, बिग बॉस को मना कर दिया। ये छेवड़ी बिग बॉस ये तो मना कर रही है। तो आप सफाई नहीं करेंगी, ठीक है? आपको एलिमिनेट किया जाता है। एक तो कम हो गया, एक कम हो गया पांच में से। अरे नहीं नहीं सर, आप तो यूं ही बुरा मान रहे हैं। बिग बॉस की मैं सारी बातें मानूंगी, सारा काम करूंगी, सारा। पलटी घोर पलट गई। अबे ओ लंबू, तू जाले उतारेगा। जाले? ए शेमड़ी, तू झाड़ू मारेगा। ए बिग बॉस सी टाउन बेबी, मैं तो क्या, मेरी पूरी बस्ती झाड़ू मारेगी यार बिग बॉस के हाउस में। और तू छोटा भाईजान, तू संडास साफ करेगा। संडास। तुम लोग घूर क्या रहे हैं मुझे? काम करो अपना। उठाई के झाड़ू सफाई वाला, उठाई के झाड़ू सफाई वाला, मिल जाए मंत्र स्वच्छता वाला, फिर हम आई से करे कमाल। सुबह 9:30 बजे। काम तो बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने, लेकिन अब तक पोछा क्यों नहीं लगा? किसकी ड्यूटी थी पोछा लगाना? केयर के। कहाँ है वो 2 rupees पीपल? हमें क्या पता। ए बिग बॉस बाबू, तू हमसे क्या पूछ रहा है? तेरे घर में कैमरे नहीं लगे क्या? तू उसमें जाके देखना, तू हमें जानता नहीं है क्या? पी टाउन बेबी बस्ती का अस्ती ब्रो। तू बताएगा मुझे? सॉरी भाईजान, सॉरी। के आर के टूर पे पिपल। देखो, काम करने के लिए बोला था और तू यहां आराम कर रहा है। तुझे बिग बॉस से अभी की अभी एलिमिनेट किया जाता है। क्या मतलब, हम इसे कम्बल ढक के पीटेंगे? बिल्कुल पीटेंगे। बिग बॉस, ये तो तुमने बड़ी मजे वाली बात कर दे ली है। अब तो अपन लोगों को बहुत मजा आएगा बस्ती का अस्ती। अब तो इसको बनाएंगे मार मार के। अरे चुप कर छपरी, नहीं भी चालू हो जाता है। सॉरी बिग बॉस।
सुबह 11 बजे। तो अब बचे हो तुम चार, तो अगला टास्क ये है, बिग बॉस के स्कूल में जितना भी सामान है, जितनी भी चीजें हैं, उससे तुम्हें इन दोनों की शादी करवानी है। शादी? Really? और चैलेंज ये है, अगर उस दौरान कोई फंस गया तो समझो वो फंस गया, उसे ऑन द स्पॉट बिग बॉस स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हंसी तो आएगी ना, करते बिग बॉस तू थोड़ा सा पागल हो गया है क्या? मैं एक लड़के से शादी करेगा क्या? मैं मीठा बीठा थोड़ी है, माना मैं छपरी है, इसका मतलब ये थोड़ी की लड़के से शादी कर लेगा। तेरा थोड़ा सा दिमाग चटक गया है क्या? मैं भी नहीं करूंगा इस छपरी से शादी। बिग बॉस की बात टाल दी। अच्छा नहीं करेगा ना तो तुम लोग जा सकते हो। हे बिग बॉस यार तू तो गुस्सा हो गया, तू तो मेरे बचपन का यार है ना, कैसी बातें कर रहा है तू, मेरा भाई जान है यार, तू तो गुस्सा हो गया। अरे मैं कर लेगा ना लड़के से शादी, दिक्कत किस चीज की है? तू बोलेगा तो मैं तेरे से भी शादी कर लेगा। अबे औकात मेरे। ओ सॉरी बिग बॉस, सॉरी गलती हो गई, सॉरी। अच्छा ठीक है बिग बॉस, फिर हम लोग शादी के लिए तैयार है, मतलब इन दोनों की। मैं पंडित बनूंगा। ठीक है मैं इवेंट मैनेजर। यो क्यों है गणेश जी? अरे प्रिपरेशन, अरेंजमेंट, केटरिंग, खाना पीना, टेंट। हलवाई बोल रही है ये चेमड़ी, हलवाई। एक्सक्यूज मी, टेंट वाला। हाँ तो बिग बॉस चाहते हैं कि इन दोनों की शादी जल्दी शुरू की जाए। ए बिग बॉस तू गलत पंगा ले, चल रहा है यार। विवाह संपन्न हुआ, फेरे हो गए, वरमाला भी हो गई, फोटो वोटो भी हो गई, अब क्या रह गया? बिग बॉस ऐसा नहीं मारना था। किसका प्लान था? किसका प्लान था? दोपहर 12:30 बजे। अब बिग बॉस के स्कूल में सिर्फ तुम तीन लोग बचे हो, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। अब एक नया मेंबर
बिग बॉस के स्कूल में आ रहा है। नया मेंबर? कौन? खुद ही देख लो। ये नन्हे बेरोजगार ठपरी लड़के खुद को बिग बॉस के घर में आके कोठी बंगले वाला समझते हैं और कोठी बंगले वाली लड़कियों को पटाने के फिराक में रहते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि बिग बॉस के घर में आ चुका है सुपरस्टार, पूरे सुपरस्टार, वर्ल्ड का नंबर वन हैंडसम लड़का। क्यों फटी की फटी रह गई ना आंखें भाई, तेरे को पता है ये कौन है? न्यू जबरी इन द हाउस, मेरा जबरी दोस्त बनेगा ये, बीसी स्टैंड इन द। भाई चुप हो जा। माइंड योर ओन बिजनेस। अब पता नहीं इसका एटीट्यूड कहाँ रहता है। तो ये आपसे आपका लीडर है, हैं? क्या ये क्या बोल रहे हो बिग बॉस? ये नल्ला बेरोजगार छपरी, ये लीडर हमारा? देखो अगर लीडर बनाना किसी धंके को बनाओ मेरे जैसे को, वरना मेरे को नहीं खेलना ये खेल, मैं जा रहा हूँ। जाओ, किसने रोका है तुम्हें? ए तू जाना रे बाबा। मैं बन जाऊंगी बिग बॉस, मैं तो मजाक कर रहा था, लीडर किसी को भी बनाओ, हमें तो खेल की भावना से खेल को खेलना है, हम कहीं नहीं जा रहे। शेमड़े। ठीक है, तो आज से तुम्हें इसकी हर बात माननी है। अगर इसने तुम्हारी शिकायत की तो मैं उसी वक्त उस इंसान को इस बिग बॉस स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। ए बिग बॉस बाबू, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का, अपन लोग बिल्कुल सच्चाई से खेलेंगे, क्या बोलते हो? अस्थि का अस्थि बीसी स्टैंड, ये ब्रो छपरी इन द हाउस, ये तो कितना बोलता है यार। माफी बिग बॉस ब्रो, माफी। और तुम्हारा टास्क भी यही है कि तुम्हें इसके साथ मिलजुल के रहना होगा। भागे लगे तू, दोपहर 1:15 बजे। और हीना जी बताइए, आपकी कौन सी फरमाइश है जो पुनीत पूरे कर सके? आप बस एक बार ऑर्डर कीजिए, आपके पास पुनीत सुपरस्टार बैठा है, वर्ल्ड का नंबर वन सुपरस्टार। फरमाइश कुछ नहीं है, बस मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी है? अबे ओ नल्ले बेरोजगार छपरी कहीं के, चल मैडम के लिए पानी लेके आ, चल चल चल। ए भाव तू क्या बोल रहेला है, मैं तो तेरा दोस्त ना, पी टाउन बेबी बी स्टैंड, बस्ती का अस्थि साथ में करेंगे मस्ती, बोला था ना तूने। अबे ओ दोस्ती का ही बाहर में, चल मैडम के लिए पानी लेके आ, वरना बिग बॉस के घर से बाहर फेंकवा दूंगा, चल चल चल। ए भाव मैं तेरे को दिल से एक बात कहता, तू ये बहुत गलत कर रहेला है, लड़की के लिए अपने दोस्त को धोखा दे रहेला है, मैं बता रहा तू बहुत पछताएगा। अबे ओ ज्यादा मत बोल, वरना बिग बॉस के घर से तेरे को बाहर निकाल दूंगा, चल मैडम के लिए पानी लेके आ, चल निकल। ए भाव तू आइयो बस्ती में, बनाऊंगा तेरा घर। चल निकल ना। अबे ओ तो सीधा के बैठ चले। और बताइए हीना जी, आपकी कोई और फरमाइश जो पुनीत सुपरस्टार पूरी कर सके? फरमाइश कुछ नहीं है, बस भूख लग रही है। अच्छा भूख लगी है? अरे नल्ले बेरोजगार कहीं के, चल मैडम के लिए खाना लेके आ, मैडम को भूख लगी है, चल 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 चल। देखा हीना जी, आपके लिए ऑर्डर पे ऑर्डर। बाबा इसको तो मैं अपना दोस्त समझ रहेला था बाबा, लेकिन ये तो धोखेबाज निकला बाबा, बीसी स्टैंड धोखा खायला, हैशटैग धोखेबाजी। हाँ जब तो तू इसके पीछे पड़ा हुआ था, मेरा दोस्त मेरा दोस्त, हाँ दोनों के दोनों छपरी गई।
ए बाबा मुझे ना कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, मैंने तो इसको अपना पक्का दोस्त माना, इसने तो मेरे ही पीछे लात मार दे ली बाबा। अबे यार एक तो तू बोलता कितना है। देख मेरे पास ना एक आइडिया है। हाँ बताना बाबा, आप खड़े खड़े क्या मुहूर्त निकालेगा क्या, तू बताना क्या आइडिया है बाबा, तू बताता क्यों नहीं है बाबा। अबे यार चुप। सॉरी बाबा सॉरी। अबे यार चुप होता ना तू, एक बार चुप हो गया। चुप हो गया बाबा। देख परेशान तो इससे मैं भी बहुत हो गया, हम लोग एक काम करते हैं, इसको बिग बॉस से बाहर निकलवा देते हैं। अरे बाबा तू ये कैसी बातें कर रेला है, वो कैसे निकालेंगे इसको बिग बॉस से बाहर। मेरे पास आइडिया है ना। अरे तो बाबा बताना, खड़े खड़े क्या शादी करवाएगा क्या मेरी। देख ए बाबा तेरे सड़ेले दिमाग में क्या उदेला आइडिया आयला है बाबा, मैं तेरे को मान गया, तू एकदम गधे पे चढ़ा हुआ घोड़ा है बाबा। अरे मतलब तेरी तारीफ कर रेला हूँ मैं अपने। अबे यार अब तू चुप हो जा। बीजी स्टैंड इन द हाउस। अबे चुप चल कर पे लग। ओके बाबा अभी चल रहा। तो भाई ये रहा बिग बॉस का बाथरूम, फटाफट से अंदर जाएंगे, तू हक दियो मैं मूत दूंगा ठीक है। अभी जल्दी से अंदर चलते हैं ना, मेरी मूत की दारू ऐसे भी बहुत तेज है, ऊपर तक जाती है बिल्कुल। अबे ओ छपरी तेरे से तेज मूत की धार है, तेरे से ऊपर जाएगी। ए वीडू तू क्या बोल रेला है, मेरी बहुत तेज जाएगी। अच्छा चला देख लेते हैं। चला चल। क्यों भाई छपरी अब तो मानता है ना कि मेरी मूत की धार तेज है। हाँ वीडू मान गेले, तेरे को मान गेले, लेकिन हगा तो मैंने भी बहुत अच्छा है ना। हाँ जैसा तू बिग बॉस में हग रहा है बहुत अच्छा हग रहा है। वैसे चल अब इसका इल्जाम पुनीत पे थोपते। हाँ वीडू अपना हगा वो पुनीत को सौंपेंगे, वही साफ करवाएगा। चल दोपहर 3:30 बजे। ओए किसने मेरे बाथरूम में टट्टी करने की कोशिश की है, किसने? बिग बॉस मेरे को लग रहा है कोशिश नहीं पूरी कर दी होगी। ये बिग बॉस बाबू तू हमसे क्या पूछ रहे है, तेरे पूरे बिग बॉस घर में कैमरे लग रहे हैं ना, जाके देखना। अबे वो मेरा पर्सनल बाथरूम है, उसमें कैमरे नहीं है, और अपने बाथरूम में कौन कैमरे लगवाता है। कैमरे नहीं है ये तो और भी अच्छी बात है, फिर तो हमको मालूम है किसने टट्टी की है। तो बताओ ना की किसने है, मैं पूछ रहा हूँ ना। हाँ बिग बॉस मुझे भी पता है। तो बताने में टाइम लोगे क्या, जल्दी बताओ। इसने पुनीत सुपरस्टार रे, इसने टट्टी की और साफ भी नहीं किया। तूने मेरे बाथरूम में टट्टी की कैसे, तेरे को मैं अभी इसी वक्त बिग बॉस स्कूल से बाहर निकालता हूँ। निकालो इसे बाहर। अबे वो छपरी बेरोजगार कहीं के नल्ले इंसान, मैंने कब टट्टी कर दी, मेरे ऊपर क्यों इल्जाम लगा रहा है। सलमान भाई मैंने कोई टट्टी वट्टी नहीं की। ए बिग बॉस भाऊ ये चुनित सुपरस्टार झूठ बोल रेला है, मैंने अपनी दोनों नी चारों आंखों से देख रेला है, ये टॉयलेट में बैठ के पता नहीं क्या 1.5 इंच का निकाल रेला था। और मेरे को मालूम है, चाहे आप इसको चख के देख लो सुन के। ये कह रहे ना तूने पक्का की होगी। अबे ओ नल्ले बेरोजगार छपरी कहीं के सलमान खान खुद को बिग बॉस का मालिक समझता है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू कोठी बंगले वाला हो गया। और हाँ ऐसे ऐश्वर्या नहीं बेटेगी समझा, उसके लिए कोठी बंगला होना चाहिए, क्या समझा क्या। अभी की अभी बिग बॉस स्कूल से इसे बाहर निकालो, निकालो इसे बाहर। बिग बॉस का इतना सब कुछ बोल दिया और बाहर निकालो का मतलब कंबल लाना है। यस कंबल ले आओ। कंबल गए तो आपका अगला टास्क ये है कि आपको बिग बॉस की एक अच्छी सी पेंटिंग बनानी है, यानी कि मेरी पेंटिंग बनानी है, और जिसने भी घटिया पेंटिंग बनाई उसे मैं बिग बॉस के स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। पेंटिंग? अरे वाह ये तो बड़ा ही अच्छा टास्क है, मैं तो वैसे भी सबसे अच्छी। अरे मैं भी बिग बॉस की बहुत अच्छी पेंटिंग बनाए गए ना, इसको तो आती ही नहीं है, मैं बना लेगा। यार ये तो बहुत मुश्किल टास्क है मेरे लिए, पेंटिंग तो मेरे को इतनी सी भी नहीं आती, मतलब मैं तो बाहर निकल जाऊंगा। अब आपके सामने पेपर और पेन रखे हुए, सोच क्या रहे हो, शुरू करो। ठीक है
ठीक है बिग बॉस भाऊ, अभी चालू कर देते अपन लोग। अल्लाह तेरी सांसों की उजड़े हैं खेत रे, उजड़े हैं खेत रे, उजड़े हैं खेत रे। अब मुझे जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अल्लाह मेहरबान, तो दिल गुले गुल गुलिस्तान, अल्लाह मेहरबान। बस डैन बहुत अच्छे, बहुत ही बढ़िया। ये देखो मेरी पेंटिंग। अबे ये क्या कार्टून बना दिया? मैंने अच्छी तो बनाई है। देखो बिग बॉस, मैं दिखाऊं क्या? ये देखो बिग बॉस, ये रहा मालिक, ये रहा बिग बॉस। अबे ये तो मजरू भाई की पेंटिंग है। अरे बिग बॉस भाऊ, ये मैंने बनाया लाए। तूने बिग बॉस को गधा बना दिया। क्या हो गया बिग बॉस भाऊ, मैंने अच्छी तो पेंटिंग बनाया लाए, आप गुस्सा काहे को हो रहे हो? सबसे गंदी पेंटिंग तेरी है। तू एक काम कर, तू इस स्कूल को छोड़ के बाहर निकल। अबे स्कूल को छोड़, तू देश को छोड़ के बाहर निकल। बिग बॉस भाऊ ये क्या कर रहे ले हो? ये मेरे को जान से मार देंगे। बिग बॉस भाऊ बचा लो मेरे। अबे मारो इसको साले को। चल बेटा। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। तो सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप बिग बॉस के आखिरी टास्क तक पहुंचे, और आपका आखिरी टास्क बहुत खास है। तो इस बैग में 2000 के काफी नोट हैं, और तुम दोनों में से जो सबसे ज्यादा नोट चेंज करवाएगा वही बिग बॉस का विनर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, बिग बॉस आपका मतलब है कि नोट हमें ज्यादा बदलवाने, मतलब मेरे को। मेरे बाप के पास तो रोकड़ा ही रोकड़ा पड़ा है, बाप ही बदल देगा मेरा तो ये सारे नोट। ऑफ कोर्स। वैसे एक बात बता दूं, अगर तुम्हें पता ना हो तो, मेरे पापा की ना वर्ल्ड ऑफ बैंक में जान पहचान है, सीधा वर्ल्ड ऑफ बैंक से ना नोट चेंज होकर आएंगे, समझ में आई? और फिर तुम हार जाओगे और मैं जीत जाऊंगी। अबे ओ ज्यादा ना हवाबाजी मत काट, मेरे बाप का भी तेरे को पता नहीं, सीधी मोदी के साथ उठ बैठा है, चाय पीते थे मोदी की, मोदी बदलवाएगा सारे नोट। Really? Yes. We'll see. Okay. I will win the big boss. तो जल्दी जाओ ना, चेंज करवा के लाओ। हाँ हाँ अभी करवा के लाए, चल चल। बिग बॉस हमने ना सारे नोट बदलवा दिए, एक भी नोट नहीं छोड़ा। अबे तूने ज्यादा नहीं, अभी तक उनकी काउंटिंग नहीं हुई। देखो बिग बॉस, इस बी से ना इस तरफ वाले सारे नोट मेरे हैं, मैंने चेंज कराए हैं, और इससे इस तरफ वाले इसने चेंज करवाए हैं। तो अब आप ही गिन के फैसला करो कि किसने ज्यादा नोट बदलवाए। ये लो। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। तो एक काम करो, तुम लोग बैठो, मैं ये नोट गिन के आता हूँ, ठीक है? हाँ हाँ आप गिन के आओ, तसल्ली कर लो, वैसे मेरे को पता है कि मैं ही जीतूंगा। होती रहती है बड़े बड़े शहरों में। तो एक काम करता हूँ ना, मैं ये नोट गिन के आता हूँ, उससे पता चल जाएगा कि किसने ज्यादा नोट बदलवाए हैं। तो जिसने सबसे ज्यादा नोट बदलवाए होंगे वो ही बिग बॉस का विनर होगा। तुम लोग बैठो, मैं आता हूँ। वैसे मैं जीतने वाली हूँ, तो बता दे अगर तुझे कुछ चाहिए हो मेरे जीतने के बाद। नहीं करना चाहिए यार। क्या बात है, इन बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। अरे कितने टाइम से मैं वेट कर रहा था ये 2000 के नोट बदलवाने के लिए, इन्होंने तो एक दिन में बदलवा दिए। अबे ये बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अरे भाड़ में जाए बिग बॉस, मेरे को तो पैसे मिल गए, अब इन पैसों से नई गाड़ी लाऊंगा।
हाथ पे चढ़ाऊंगा। सल्लू नाम है मेरा। बिग बॉस आए नहीं अभी तक, इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था। नॉट ज्यादा थे ना, काउंटिंग में टाइम लग रहा होगा। हाँ मेरे मेरे हाँ ऑफ कोर्स। तू 100 की लाई थी ना इसलिए। हे गाइस, कैसे हो आप सब? गाइस अगर आपके पास है एक अच्छा ओपिनियन तो उसको ऐसे सोशल मीडिया गली मोहल्ले या फिर नुक्कड़ में वेस्ट मत कीजिए। नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, फटाफट से जाओ प्रोबो ऐप को डाउनलोड करो, आपको मिलेगा 25 रुपए का बोनस। और गाइस आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।